अस्सलाम वालेकुम ये व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एम डी कैट यूनिट वाइज़ प्रिपरेशन के लिए फ़िज़िक्स के यूनिट मोशन एंड फोर्स पे। तो इससे पहले भी हमने एम डी कैट यूनिट वाइज़ प्रिपरेशन के सिलसिला में फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के कुछ पेपर डिस्कस किए हैं तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो वीडियोस भी आप हमारे चैनल से देख लें तो अभी हम बात करेंगे मोशन एंड फोर्स पे तो सबसे पहले एम सी क्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेट में बेस्ट विलॉस्टी तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है आप जी, आपके पास दी बीटा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम विलॉस्टी आपको पता है एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को देखेंगे इसलिए हमने करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है बीटा के पोजीशन में जो भी चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसकी वजह से अल्टीमेटली क्या है वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रही है ठीक है व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड के लिए फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम करेक्ट ऑप्शन है आपके पास चाड़ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम विच आर द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स कॉन्टेक्ट फोर्स बेसिकली दो ऑब्जेक्ट होंगे तो उनके दरम्यान प्रेजेंट होती है ठीक है जी कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं उनमें कोई अटैचमेंट हो रही है उनमें कोई अडहैशन हो रही है तो उसकी वजह से क्या है उनकी मूवमेंट या उनको अपोज करने के लिए एक फ़ोर्स प्रोड्यूस हो रही होती है जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स ठीक है जी सो एग्जाम्पल फॉर कॉन्टेक्ट फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स करेक्ट ऑप्शन एच आरली एन ऑब्जेक्ट विच हैज़ मैस ट्वेंटी के जी एंड इज़ मूविंग इलासटी ऑफ फाइव मीटर पर सेकेंड वट इज इट्स मोमेंटम मैथ गिवन है ट्वेंटी के जी और आपको लास्ट ही गिवन है फाइव मीटर पर सेकेंड और मोमेंटम आपने बताना है मोमेंटम का फॉर्मूला होता है पी इजिकल टू एम वी एम की जगह ये पुट कर दें और वी की जगह ये पुट कर दें आंसर निकलेगा मोमेंटम वन हंड्रेड किलोग्राम मीटर पर सेकेंड करेक्ट ऑप्शन है बीटा फाइव एच मोशन स्टेट डेट फॉर एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन कौन कहता है कि जी हर एक एक्शन के लिए एक रिएक्शन भी होता है तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है ईजी सा है सिंपल डेफिनेशन ही है करेक्ट ऑप्शन है चार ली सिक्स कार इज मूविंग इनिशियली एट ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड मतलब इनिशियल विलास्ट है ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड इफ़ इट एक्सलरेट्स यूनिफॉर्मली एट टू मीटर पर सेकेंड स्केयर मतलब उसकी एक्सेलेशन है टू मीटर पर सेकेंड स्केयर फॉर टेन सेकेंड और उसका टाइम है टेन सेकेंड वट विल बी इट्स फाइनल विला अभी बताएं उस कॉर की फाइनल विलास्ट क्या होगी तो आपको बताया एक्सलेशन का फार्मूला कहता है फाइनल विलास्टी माइनस अ नेचुरल विलास्टी डिवाइडेड बाई टाइम यहाँ आपने फाइंड करनी है फाइनल विलास्टी सो इस फार्मूला को मॉडिफाई करें एज वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी इसको जब आप मॉडिफाई करेंगे फाइनल विलोसटी के लिए तो आपके पास जो बनेगी फाइनल वो निकलेगी हमने क्या करना है एक्सलेशन को मल्टीप्लाई कर देना है टाइम से आंसर है क्लास ट्वेंटी और उसको हमने प्लस कर देना है इस इनिशियल वेलोसिटी में बन जाएगा फोर्टी मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी सिक्स में करेक्ट ऑप्शन है अल्फा एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन सर्कुलर पाथ व्हाट टाइप ऑफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है कॉन्स्टेंट विलॉसिटी पे तो आप बताएं कौन सी फोर्स की वजह से उस पर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है जो कि उसको सर्कुलर पाथ पर मूवमेंट में हेल्प कर रही है तो उस पर क्या है जी सेंटिपिटल फोर्स एक्ट करती है कोई भी सर्कुलर पाथ में मूवमेंट जो हो रही होती है उस पर अल्टीमेटली सेंटिपिटल फोर्स ही एक्ट कर रही होती है सो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास चार्ली बीच द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स ऑलरेडी बता दिया कॉन्टेक्ट फोर्स का मैंने आपको नॉर्मल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स और टेंशन फोर्स ये तीनों क्या हैं कॉन्टेक्ट फोर्स है लेकिन मैग्नेटिक फोर्स एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है सो करेक्ट ऑप्शन है चार्ली मैग्नेटिक फोर्स इज ए नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स वॉट हैपन्स टू द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़ डबल्ड वेन इट्स मेस रिमेन कॉन्स्टेंट अब क्या है जी आपको पता है एफ इज एफ इज इक्वल टू एम ए ये न्यूटन का लॉ है एक इसमें क्या होता है कि जी आपको पता है फोर्स मैस और एक्सलरेशन में रिलेशन हमें बताया जा रहा होता है लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या होती है अगर हम मैस को कांस्टेंट रख रहे हो अगर मैस कांस्टेंट है और फोर्स में जितना मर्जी इंक्रीज या डिक्रीज़ हो रहा है तो अल्टीमेटली एक्सलरेशन सेम रहती है ये भी एक इसकी क्या है जी एक्सप्लेनेशन ही है उसके रिलेशन की अभी कहा गया जी फोर्स को डबल कर दें तो बताएं एक्सेलेशन पे क्या इफेक्ट होगा हालांकि हमने मैथ्स को रखा हुआ है कॉन्स्टेंट तो इससे एक्सेलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि मैथ कॉन्स्टेंट है फोर्स जितनी मर्जी कम या ज़्यादा करते जाए तो एक्सेलेशन अल्टीमेटली सेम ही आपके पास रहेगी सो so, नाइन में करेक्ट ऑप्शन है चार्ली द एक्सेशन रिमेंस द सेम टेन है विच ऑफ द following इज ए वैक्टर क्वानिटी ईजी है मै स्पीड टेम्परेचर ये स्केलर है डिस्प्लेसमेंट वैक्टर क्वान्टी है इसके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होती हैं विच law मोशन एक्सप्लेन वाई ए a फील पुश्ड बैक इन टू देयर सीट वेन ए कार accelerate फॉरवर्ड 11 में आपने बताना है एक पर्सन है कार में वो मूव कर रहा है तो क्या है जी उस पर एक जैसे उसको पुश कर रही है एक फोर्स बैकवर्ड तो आपने बता इसको एक्सप्लेन करना है कौन सा ला इसको बता रहा होता है ठीक है जी इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए तो इलेवन में करेक्ट ऑप्शन है आपके पास बीटा न्यूटन सेकेंड लॉ न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि अगर कोई भी फोर्स आप पे एक्ट कर रही है तो अल्टीमेटली उससे ज़्यादा फोर्स आप उस पर लगाएंगे तभी आप उसको अपोज कर पाएंगे तो अगर कार में एक पर्सन बैठा हुआ है तो उस पर जो रेजिस्टेंस या फ्रिक्शनल फोर्स जो भी एक्ट कर रही है तो उस पर्सन की अपनी फोर्स से वो फ्रिक्शनल फोर्स और जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है तो अल्टीमेटली वो क्या है जिस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन लग रही होगी तो उसकी भी मूवमेंट उसी की तरफ मतलब वो बैकवर्ड की तरफ उसको लग रही है फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस तो वो पर्सन भी क्या है बैकवर्ड वो सीट के साथ ही लगा रहेगा पुश्ड बैक होगा ठीक है इलेवन में करेक्ट ऑप्शन बीता न्यूटन सेकेंड लाइज इसको एक्सप्लेन कर रहा होता है वट इज़ द वेट ऑफ हंड्रेड के जी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ सरफेस वेट के लिए फार्मूला आप लिखते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी मैथ की बनाइ ये और जी की वैल्यू गिवन है ये सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर दें आंसर निकलेगा 980 न्यूटन 12 में करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा 13 है कार इज़ मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड व्हाट कैन बी सेड अबाउट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट एक ऑब्जेक्ट है जी वो क्या है जी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है आपने बताना है उस पर फोर्स का नेट फोर्स क्या होगी अभी क्या है कॉन्सटेंट स्पीड है तो कॉन्स्टेंट स्पीड से क्या है अल्टीमेटली हमारे पास एक्सलरेशन क्या है वो ज़ीरो हो गई अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो फोर्स भी ज़ीरो होगी ठीक है एफ इक्वल टू एम में आपने पढ़ा है अगर एक्सेलरेशन होगी तभी फोर्स होगी अभी क्या है स्पीड कॉन्स्टेंट है तो इससे अल्टीमेटली एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी और एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स भी ज़ीरो ही होगी सो so, थर्टीन में करेक्ट ऑप्शन आप मार्क करेंगे एल्फा नेट फोर्स जीरो विच टाइप ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपवर्ड बयॉन्ड फोर्स एक्सपीरियंस बाई एन ऑब्जेक्ट समज इन द फ्लोइड अब क्या है कोई भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हम उसको पानी में जैसे ही डुबो रहे होते हैं तो उस पर जो पानी फोर्स लगा रहा होता है उसको अपोज कर रहा होता है जिस फोर्स से उसको हम कहते हैं बाय फोर्स जैसे आप लेट सपोज एक पानी का जग है या बर्तन है कोई उसमें आप कोई भी ऑब्जेक्ट उसमें डाल रहे होते हैं तो वाटर उस पर फोर्स लगा रहे होता है उसके अगेंस्ट है. कि उसमें सबमर्ज ना हो वो ऑब्जेक्ट तो उस फोर्स को हम कहते हैं बायोन्ड फोर्स ठीक है फोर्टीन में करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा फिफ्टीन है जी इज द एक्सलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट नियर द अर्थ सरफेस अर्थ सरफेस पे जो हम एक्सलेशन की वैल्यू लेते हैं वो लेते हैं जी ग्रेविटी की वजह से और उसकी वैल्यू लेते हैं नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्केर फिफ्टीन में करेक्ट ऑप्शन है एल्फा थैंक यू सो मच एवरी वन ये थे आज की वीडियो के एम से क्यों रिमेनिंग एम सी को इन पार्ट टू में हम डिस्कस करेंगे तो मिलते हैं अगली वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़